Assalamualaikum and welcome back to my channel. मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मारिया ज़ुबैर ऑफिशियल. कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह ताला से खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें. तो आप देख रहे होंगे कि ये आज क्या हो रहा है जो हमें आज ये दिखाया जा रहा है. गीला कपड़ा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जैसे मैंने आपको अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो दिखाई थी, बताई थी कि मैंने क्लैरन ब्रांड से जो है वो कपड़े मंगवाए थे और उन कपड़ों का जो मैंने आपको रिव्यू दिया था कि फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये है वो है सभी. तो मैं जो है इसको 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ इस सूट को और ये काफ़ी दफ़ा धुल चुका है लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि ये जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम धोया. मैं तो जो आमतौर पर ब्रांड्स के कपड़े लाती हूँ कभी, बल्कि मैं ब्रांड का कपड़ा लाती ही इसलिए हूँ कि उसका कलर नहीं छूटता. अब मेरे साथ क्या हुआ है ये आपके सामने है. मैं कितनी बार इसको धो चुकी हूँ लेकिन हर बार जो है वो इसका यही हाल है, हर बार इसमें से ये फ्रोजी कलर जाता है और मैं इतनी तंग आ गई हूँ. मुझे तो आदत ही नहीं थी हाथों से कपड़े धोने की या कुछ ऐसा. हाँ, लॉन के कपड़े मैं गर्मियों में धोती हूँ, वो इसी जगह अपने इसी बेसन में खड़े हो के. यहाँ ये मेरे लॉन का जो है ये मेरा लॉन है और यहाँ ये बेसन है, तो मैं यहीं पर खड़े होकर अपने लॉन में कपड़े धो के यहीं फैला देती हूँ. इजी रहता है और लॉन के कपड़े नए रहते हैं. तो अब मैंने पीछे जब 2-3 दफ़ा ये पहना, मैंने इसको बाकी कपड़ों के साथ धोया, मेरे काफ़ी कपड़े जो है वो ख़राब भी हो गए. ये सोच कर धो लिया था कि चलो फर्स्ट टाइम में निकल गया है कलर, उसके बाद नहीं निकलेगा, लेकिन अब ये कोई 7वीं 8वीं दफ़ा धुल रहा है और अभी इसका यही हाल है कि ये जब इसको ये देखिए ये हाल है जी इसका, आपको नज़र आ रहा है. तो मैं इतनी कोई परेशान हुई तो मैंने कहा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया जाए कि क्लैरन ब्रांड से जब तक आपको श्योर ना हो जाए कि अब इनकी क्वालिटी बेहतर हो गई है तब तक क्लैरन ब्रांड से जो है वो कपड़ा बाय ना करें. दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ. जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम आपको दिखाया था तो आपने देखा होगा कि ये कितना खूबसूरत लग रहा था और अभी मैं आपको इसका ये दिखा रही हूँ. रहता तो ये इसी तरह गोल्डन ही है, अभी ये ज़रा डार्क सा लग रहा है लेकिन ये ख़राब नहीं हुई ये चीज़. लेकिन ये ना पहले बहुत गफ थी जबकि अब जो है ये आप इसका देख रहे हैं, ये इसका बिल्कुल नज़र आ रहा है और इसका जो यानी ये जो इसके ऊपर गोल्डन जैकॉर्ड था वो भी जो है इसकी भी क्वालिटी उस तरह से अच्छी नहीं निकली. ये आपको इसका नज़र आ रहा है स्टिच, कितना बड़ा बड़ा स्टिच है. तो अब इसके ये जो जैकॉर्ड है ये भी चेंज हो गया है और जो इसका फैब्रिक है वो बहुत. और हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आ गई कि जब मैंने इसको स्टिच किया था तो इसमें से फैब्रिक बहुत कम निकला था. मुश्किल से मेरी जो शर्ट है वो बनी थी, मुश्किल से. और इसी तरह जो ट्राउज़र है उसमें भी मैंने सेंटर में जोड़ डाला था और जो मेरी शर्ट है उसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम थी. मैं नॉर्मली जो है वो शर्ट की 45 लेंथ पहनती हूँ लेकिन इसमें से मेरी लेंथ जो है वो 43 भी नहीं निकली थी. तो मैंने सिया कैसा था वो इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी जब मैं इस वीडियो को एंड करूँगी. अच्छा जी, तो सिया मैंने इसको कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नीचे इसको इस तरह से समोसे बनाकर लगाए थे, एक समोसा बड़ा एक छोटा इस तरह से. और पहले मैं इसको थोड़े बड़े साइज़ के समोसे लगाने का सोच रही थी लेकिन फिर मैंने ये लगा दिया, मैंने कहा बहुत बड़े भी बुरे लगेंगे. और मसला ये था कि इसकी लेंथ मैं बढ़ाना चाह रही थी लेकिन खैर समोसे से कोई इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ी. अब ये जो इसका मसला है कलर निकलने का वो मैंने आपको दिखा दिया है, कलर बहुत ज़्यादा निकलता है इसका. थोड़ा सा जो है इसका जो ओरिजिनल कलर था जो आपको मैंने दिखाया था जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था उस वक्त की वीडियो अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में जो इसका ये ब्लू शेड है थोड़ा सा ये लाइट सा और कुछ फीका फीका सा नज़र आने लगा है. बाकी जो इसकी कपड़े की क्वालिटी है वो बस गुजारा निकली है, बहुत कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं निकली. और जो मैंने इसका गला बनाया था सिंपल इस तरह से गला बनाया था और ये आप देख सकते हैं कि जो इसका फैब्रिक का जो इसका वो निकला है लुक वो कुछ ख़ास नहीं निकला. इसी तरीके से जो आर्म पिट्स होते हैं या अंडर जो आर्म होते हैं इनके अंदर ये काफ़ी जो है वो ऐसे बुर सा बन के रुक जाता है. देखते हैं जी आपके आर्म पिट में इसका ब्लू सा कपड़े का बुर सा दिखता है. बाकी ये कपड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप सेटिस्फाइड हैं और आपको इसके कलर निकलने से कोई मसला नहीं है
और आपकी लेंथ भी जो है वो शर्ट की 46 नहीं होती, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि मेरे लिए इसके कपड़े की लेंथ भी कम थी और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ क्योंकि मैं कपड़े धोती हूँ अपनी मशीन में, ऑटोमेटिक मशीन में। तो ऑटोमेटिक मशीन में ये एक एक कपड़ा धोना, क्योंकि एक फेर जब हम मशीन में डालते हैं 45 से 46 मिनट जो है वो एक फेर के लिए वो नॉर्मल पर लेती है, फिर हम अगर उसको वॉश ओनली में लगा दें तो और ज़्यादा मसला है। एनीवेज जी, आज की वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।